तो पावर थ्योरी की हम फंक्शन में बात कर रहे हैं। पहले बता दूं जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं ये एक्सेल के फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन पावर थ्योरी के हैं। कुछ फंक्शन सिमिलर है जो कि एक्सेल में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली फंक्शन पावर थ्योरी के हैं, इसलिए इसको एक्सेल पे ट्राई करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो चलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करके चाहते हैं हम बात करेंगे आज टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले में। जी हाँ, इसके अंदर पावर क्वेरी के अंदर ही अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस हैं, तो हम बात करेंगे टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस से। टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ, कि लेंथ किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, लेंथ, टेक्स्ट लेंथ, मतलब आपको पता करना है कोई भी नाम या कोई पर्टिकुलर मोबाइल नंबर या कोई ऐसा है जो कितने डिजिट का है, कितने करेक्टर का है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि नेम मेरे कितने करेक्टर का है, तो इसके लिए हम कस्टम में जाते हैं। हालांकि एक्सेल भी इसके लिए हम लेन का फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ पे हम लेंथ का फॉर्मूला लगाए, लेकिन हमें लिखना होगा टैक्स। टैक्स कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे लेंथ, तो जैसे जैसे लिखेंगे आपको यहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया टेक्स्ट लेंथ, टैप करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे हमें बताना है कि किसका लेंथ चाहिए, तो मेजर चाहिए, नेम का लेंथ चाहिए, ब्रैकेट में क्लोज किया एंड ओके। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैं टैब मारा ना, इस कारण से टैक्स लेंथ आप यहाँ लास्ट में देखिए, लेंथ नाम का यहाँ पे आपके सामने 4-5-6 GB लेंथ है, विशाल लेंथ आपके सामने। अच्छा, एक चीज और हम लोग करते थे, एक्सेल में एक फॉर्मूला हुआ करता था कैर एंड पोर्ट का, लेकिन उससे पहले कैर एंड पोर्ट का फॉर्मूला हुआ करता था, यहाँ पे हो जाता है करेक्टर फ्रॉम नंबर, करेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट का होता है। जैसे कि मुझे इस पूजा का करेक्टर कोड पता चलना है, इसका इधर, हालांकि पूजा में पी का ही कोड निकालेगा, तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले कोड, जो एक्सेल का कोड फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या बन जाता है देखिए, करेक्टर टू नंबर, करेक्टर टू नंबर, ब्रैकेट में हमने यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर, ओके करते हैं, और यहाँ पे एरर आया कि बाकियों में एरर क्यों हो रहा है, इसमें सिलेक्ट नहीं होता। हाँ, बेसिकली दो डिजिट से ज्यादा नहीं लेता है, इस कारण से प्रॉब्लम हुई है। इसमें हम लेफ्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो ठीक रहता। हम मान लीजिए कि एक करेक्टर का नंबर है, मुझे इसे करेक्टर का कोड बता दें, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कस्टम में जाते हैं। माने कि आपने करेक्टर से कोड पता कर लिया, अब कोड से करेक्टर पता करना है, तो CHR कैर का फॉर्मूला था वो यहाँ पे आ जाता है, करेक्टर फ्रॉम नंबर, करेक्टर फ्रॉम नंबर, टू नंबर एंड फ्रॉम नंबर, याद रखिएगा। इसके इसका यूज कभी कभी हो जाता है, हमने एक्सेल की क्लासेस में बताया हुआ है इसका यूज कब होता है। तो यहां से मैं क्वांटिटी रख लेता हूँ, मान लीजिए फिलहाल क्वांटिटी ले लेता हूँ, हालांकि कोई तुक नहीं बनता है। तो ये देखिए, ये सारे करेक्टर होते हैं, करेक्टर। अब बात आती है गाइड फ्रॉम, जी हाँ, गाइड फ्रॉम के बारे में बात करते हैं। सोच लीजिए कि मेरे पास मेरा ये एक्सेल कोर्स यहाँ पे, अब देखिए गाइड फ्रॉम नंबर करता क्या है, एक बार ध्यान से यहाँ पे करते हैं, GF के नाम से देते हैं। आप GF को गर्लफ्रेंड मत समझिए, एक गाइड फॉर्म, GOID गाइड फॉर्म, ये रहा गाइड फॉर्म। गाइड फॉर्म में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोर्स को रख दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे ओके करते
back from error data. Okay. कोर्स के जगह पे मैं यहाँ क्वांटिटी देके देखता हूँ कि नंबर पे वर्क तो नहीं करता है सर। Recording stopped.